9 नवंबर को लावा मोबाइल ने अपना 5G मोबाइल फोन लावा अग्नि 5G लॉन्च कर दिया। फ्लिपकार्ट की BBD और अमेजोन की JEF सेल खत्म होते ही फोन लॉन्च हो गया। वैसे अगर ये फोन सेल के टाइम पर आता तो जनता जनार्दन का कुछ रिस्पांस अलग ही होता। अब पहले फोन के बारे में सुन लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये फोन सेल के टाइम पर क्यों नहीं आया। कंपनी के अनुसार ये फ़ोन पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो काफ़ी समय पहले लावा मोबाइल ने अपना पूरा R&D डिपार्टमेंट जो है वो भारत में ही शिफ्ट कर लिया था चीन से, और इससे पहले एक लावा Z1 लॉन्च किया गया था, लावा Z1, जो कि एक बड़ा ही अलग तरह का प्रयास था जिसमें आप अपने फ़ोन को खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं एक तरीके से। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ लावा अग्नि 5G के बारे में। हेलो, मैं हूं कृष्णा शर्मा, आपका स्वागत करता हूं डिजिट हिंदी के इस वीडियो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें। तो नो टाइम वेस्ट, ये रहा खूबसूरत डिज़ाइन वाले लावा अग्नि 5G के बारे में सब कुछ। नंबर एक, इसके डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच है, यानी एक बड़ा डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले पंच होल और 2.5D कर्व्ड स्क्रीन के साथ आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो है इसका 91.73%। और नंबर दो, क्वालिटी की बात करें तो ये एक IPS LCD डिस्प्ले है और फुल HD को सपोर्ट करता है। रेजोल्यूशन है इसका 1080x2460 पिक्सल, 396 PPI। नंबर तीन, ये डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है। नंबर चार, कैमरा, इसके रियर साइड आपको क्वाड कैम सेटअप मिलता है जिसमें 1.79 अपर्चर के साथ एक 64MP कैमरा, 5MP वाइड एंगल, 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा मिल जाता है। यहाँ एक 1.79 अपर्चर का मतलब है कि आपको कम रोशनी में भी अपर्चर जो है वो फोटो साफ मिलेंगी। अपर्चर नंबर जितना कम होगा उतना ही कम रोशनी में आपको अच्छी फोटो मिलेंगी, इसलिए गैलेक्सी S7 का जो F1.7 अपर्चर है वो आईफोन के F2.2 अपर्चर से बेहतर फोटो खींचता है। नंबर पाँच, क्वाड कैम सेटअप के साथ आपको इसमें ड्यूल LED लाइट मिल जाती है 80 CRI के साथ। CRI का मतलब इसमें कलर रेंडरिंग इंडेक्स है। सरल भाषा में बताऊँ तो अगर CRI 80 से कम हो तो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि ये ड्यूल LED लाइट एक्सेप्टेबल है। नंबर छः, इसमें आपको बहुत से मोड मिल जाते हैं जिसमें एक UHD मोड है जिसमें आप 108MP में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। नाइट मोड है जो अच्छे से काम करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको रॉ मोड मिल जाता है जिसमें आप एक अनप्रोसेस्ड इमेज क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा HD मोड, सुपर नाइट शॉट, जिफ मोड, AI मोड, ब्यूटी मोड, मैक्रो मोड, प्रो मोड, HDR, पोर्ट्रेट, स्लो मोशन और टाइम लैप्स भी मिल जाते हैं, साथ में कई फिल्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। नंबर सात, फ्रंट साइड आपको इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ आपको अलग से फ्लैश तो नहीं मिलती लेकिन आप फ्रंट डिस्प्ले फ्लैश यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वही एक तरीके से फ्लैश का काम करेगी। नंबर आठ, प्रोसेसर है इसमें MediaTek Dimensity 810 और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो 6nm टेक्नोलॉजी से बना है। या नैनोमीटर के बारे में अगर बताऊँ तो 6nm के बारे में शॉर्ट में बताऊँगा आपको। जितना कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना होगा उतना ही फास्ट प्रोसेसर होगा। जैसे 3 प्रोसेसर 12nm, 10nm, 6nm टेक्नोलॉजी से बने हैं तो ये 6nm वाला ज़्यादा फास्ट होगा। साथ ही लावा अग्नि 5G के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 2.4 GHz है। कंपनी के अनुसार इसके एंटूतु स्कोर्स हैं 3,81,000 के करीब और Geekbench स्कोर हैं इसके 1,697। नंबर 9, स्टोरेज के मामले में इसमें आपको इस 5G फ़ोन में 8GB रैम मिलती है जो बाकी काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही 128GB रोम यानी इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाती है जिससे आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, प्लस इस भारतीय कंपनी के फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कंपनी के अनुसार 34 मिली सेकेंड में आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है, और इस कैटेगरी में ये सबसे तेज़ है। साथ ही इसका फेस अनलॉक भी 0.24 सेकेंड में फ़ोन अनलॉक कर देता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 3.5mm जैक भी आपको मिल जाता है। नंबर 11, बैटरी है इसकी 5000mAh और ये एक लिथियम पॉलीमर बैटरी है, और इसके साथ एक प्लस पॉइंट यह हो जाता है कि आपको 5G फ़ोन में टाइप सी चार्जर और 30W का सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में मिल जाता है। ये कितनी देर में चार्ज होता है इसके विषय में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन 5000mAh की एक लिथियम पॉलीमर बैटरी को 30W के सुपर फास्ट चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो मेरे ख्याल से 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में समय लगना चाहिए। नंबर 12, अब इस 5000mAh की बैटरी के बैकअप की बात कर लेते हैं। तो रिव्यू यूनिट ना होने की वजह से इसे हमने खुद चेक तो नहीं किया, लेकिन कंपनी के अनुसार स्टैंडबाई टाइम 730 घंटे यानी कि 30 दिन तक का है, और फ़ोन कॉल 50 घंटे तक कर सकते हैं, और इसके अलावा म्यूज़िक 120 घंटे तक
सुन सकते हैं। नंबर 13, ये एंड्रॉयड 11 पर चलेगा और इसमें स्टॉक एंड्रॉयड है, यानी कि पूरी तरह से ब्लोटवेयर फ्री होगा, अनचाहे एड्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने के प्रयास करूंगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, आप समझदार हैं। जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।